गैस, क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग पाइथन की मदद से नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कैलकुलेटर जैसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और अगर आप लोग अच्छी एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए तो आप लोग को उसके पैसे भी मिल सकते हैं, आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को सेल भी कर सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग पाइथन से जीयूआई एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताएं, और मुझे बताएं कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स को। ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है और यूट्यूब पर अपलोड होने वाला है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस कोर्स को करना तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आप लोग को अपने स्टूडेंट की लिस्ट में ऐड कर लूं। इस फ्री पाइथन जीयूआई के कोर्स में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सिखाऊंगा कि पाइथन जीयूआई एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। अभी ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस क्या होती हैं? गाइस, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी पाइथन में, तो या तो वो बोरिंग से कंसोल में आपको उसका आउटपुट देखना पड़ता है। भले ही आपका प्रोग्राम कितना इंटरेस्टिंग काम कर रहा हो, लेकिन आप लोग को जो उसका आउटपुट है वो बहुत ही बोरिंग कंसोल में देखना पड़ता है। इसी को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एडोबी फोटोशॉप और भी गूगल क्रोम जैसे प्रोग्राम्स हैं जिनका बिना कोड देखे आप लोग बहुत अच्छी तरह उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह की एप्लीकेशंस बनाना हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ऐसा करना कभी कभी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं नॉन प्रोग्रामर्स को, और नॉन प्रोग्रामर्स आपका जो है कोड रन नहीं करेंगे, वो पाइथन इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उनको जो है कंसोल में आउटपुट देखना पड़े। जैसे कि गूगल क्रोम है, जो लोग यूज करते हैं गूगल क्रोम वो प्रोग्रामर नॉन प्रोग्रामर सब होते हैं, और ज्यादातर लोग या नॉन प्रोग्रामर्स ही होते होंगे जो कि यूज करते हैं, क्योंकि वेब ब्राउजर जो है बहुत ही कॉमन सी चीज है। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, उसको कोड बाय कोड लिखा गया है और उसको इस तरह प्रेजेंट किया गया। पाइथन में इसी तरह अपने सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग किंटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये किंटर किस तरह यूज करते हैं इस कोर्स में हम लोग अच्छी तरह सीखेंगे। मेरे फुल पाइथन कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और उनमें से आप में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कमेंट में बहुत ज्यादा प्रेज दिया कि आपने इस इतने बड़े स्केल के कोर्स को जो है फ्री रखा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि ये कोर्स भी मैं एकदम फ्री रखने वाला हूं, यानी कि आप लोग सीख सकते हैं जीयूआई बनाना पाइथन की मदद से एब्सोल्युटली फ्री। और जितने लोगों ने भी पिछले पाइथन के कोर्स को फ्री रखने के लिए थैंक यू बोला, उनको मैं एक बार और वेलकम करना चाहूंगा, और मैं उनसे थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे पाइथन कोर्स को इतना प्यार दिया और स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड एडवांस लेवल तक आप लोगों ने पाइथन मेरे कोर्स से सीखा, मुझे काफी अच्छा लगता है। इस कोर्स को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, और उसके बाद मैं इस कोर्स को बेसिक पे नहीं छोड़ूंगा, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा दो एडवांस लेवल एप्लीकेशंस, जिनमें से एक होगी नोटपैड और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो हम बनाएंगे कैलकुलेटर। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि और एडवांस लेवल की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि गाइस, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में अपना नाम मुझे जरूर से बता देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। किंटर की मदद से आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर्स, वीडियो एडिटर्स, इस तरह के एडवांस लेवल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और इसकी बात भी हम आगे करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वो ये है कि आप में से कई लोग कहते हैं कि जब भी मैं कोर्स करा रहा हूं तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स का नाम अगर मैं अपने स्टूडेंट के नाम रखूं तो काफी अच्छा लगता है आप लोगों को। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं जो इस कोर्स में वेरिएबल के नाम यूज करूंगा वो आपका नाम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है और इस नाम का वेरिएबल भी बनाओ हैरी भाई, ऐसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं आपके नाम का वेरिएबल बनाऊंगा इस कोर्स में, और आपको भी अच्छा लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप लोग जो है और अच्छी डिटर्मिनेशन के साथ इस कोर्स को कंप्लीट करें। सो गाइस, मुझे रहा नहीं जा रहा है आप लोगों को बताने के लिए कि किंटर कितने कमाल की चीज है और ये क्या जादू करके आप लोगों की पाइथन प्रोग्रामिंग को किस तरह वसूल करवा सकता है अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बनवाकर। तो अगर आप लोग सीरियस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बता देना, और अगर आप लोग इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा और आप लोग को वहां पर सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। एक और बात ये कि यूट्यूब पर अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करोगे तो ये जो प्लेलिस्ट है वो खो सकती है, इसलिए मैं कहूंगा कि सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस डाल रहा हूं, चाहे ये कोर्स हो या फिर आने वाले और फ्री कोर्सेज हो, उनमें से कोई भी कोर्स अगर आप चाहते हैं मिस ना करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट जरूर कर लें। उससे फायदा आपका ही होगा, आप लोग को फ्री कोर्सेज सारे के सारे देखने को मिलेंगे, आप अपडेट रहेंगे कि मैं कौन कौन से कोर्सेज कब कब रिलीज कर रहा हूं। सो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन करना कोर्स, लाइक करके कमेंट जरूर से करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाकी और भी आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल है या कोई भी सुझाव है या कुछ आप कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, लेकिन अपना नाम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों से किंटर कोर्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।